झारखंड के देवघर में त्रिकुट पहाड़ पर एक बड़ा हादसा हो गया। रोपवे हादसे में सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। खबर अब तक लगातार इस बात की जानकारी आपको दे रहा था कि देवघर में एक बड़ा हादसा हुआ है। सोमवार सुबह के बाद हेलीकॉप्टर से दोबारा बचाव कार्य शुरू किया गया है, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी। अब तक 8 लोगों का रेस्क्यू कर दिया गया है, 40 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। कुल 48 लोग हवा में लटकी ट्रॉली में फंसे हुए थे। तारों के जाल के कारण एनडीआरएफ और सेना के कमांडो रेस्क्यू करने में आज जो पहुंचे थे उनको दिक्कत आ रही है। सुबह 6 घंटे के प्रयास के बाद हेलीकॉप्टर लौट गया था। अब दोबारा एक प्लान बनाया गया है और प्लान के मुताबिक ही रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। कमांडो 2 ट्रॉली के गेट खोलने में कामयाब भी हो गए हैं। ऑपरेशन में एयरफोर्स के 3 हेलीकॉप्टर लगे हैं। स्थिति यह भी है कि रविवार की शाम करीब 4 बजे हुए हादसे के बाद 18 ट्रॉलियों में 48 श्रद्धालु फंसकर हवा में लटके हुए थे। तस्वीर आप देख भी रहे हैं, ये भयावह तस्वीर सामने आई। उसके बाद हेलीकॉप्टर की मदद से कुछ रेस्क्यू जरूर किया गया है, लेकिन अभी भी कुछ जिंदगियां फंसी हुई हैं। हादसे में 12 लोग घायल भी हो गए थे और ये भी जानकारी मिली थी कि कैबिन जमीन से करीब 2500 फीट की ऊंचाई पर है। लिहाजा ऑपरेशन शुरू करने से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे ताकि किसी की भी जान खतरे में ना पड़ जाए। अभी भी डर जरूर बना हुआ है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेजी से चलाया जा रहा है, जिसकी अपडेट खबरें अब तक ने लगातार आपको दी भी है। फिलहाल 2 तस्वीरें आपके सामने हैं जिनके जरिए आप इस पूरे हादसे के बारे में जानकारी लीजिए। पहली तस्वीर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दूसरी तस्वीर, जैसे कि हमने बताया भी था आपको कि एक हेलीकॉप्टर को यहां पर बुलाया गया था, हालांकि वो हेलीकॉप्टर 8 लोगों का रेस्क्यू कर लौट गया था, लेकिन फिर से मदद लगातार ली जा रही है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। अभी भी लगातार मुख्यमंत्री झारखंड के भी नजर अपनी बनाए हुए हैं और जानकारी भी ले रहे हैं। उन्होंने खुद ये बताया था कि एनडीआरएफ की टीम भी है, गरुड़ कमांडो भी है, जो कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। जितने भी लोग यहां पर फंसे हुए हैं उनको बचाने का प्रयास लगातार जारी है। कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई थी और मुख्यमंत्री झारखंड ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। नजर है और एनडीआरएफ से भी मदद ली गई है, एयरफोर्स से भी मदद ली गई है और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं गरुड़ा कमांडोज उनका भी सहायता लिया जा रहा है। और जो उस रोपवे को जिन लोगों ने बनाया है उनकी टीम भी पहुंच गई है और कुल मिलाकर के सभी तरीके से प्रयास हो रहा है। और चूँकि रात थी, रात के समय बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन सभी तैयारी के साथ लोग अर्ली मॉर्निंग से वहाँ पहुँच चुके हैं और चीज़ों पर हम लोगों की नज़र है। रात को ITBP की हमारी एक टीम गई थी वहाँ पे, जिसमें हमारे माउंटेनियर्स और ट्रेंड हमारे जो रेस्क्यूअर्स थे उनकी पूरी टीम थी, मेडिक्स भी था उनके साथ, दवाइयों के साथ हम लोगों ने भेज दिया था। देर रात वो लोग पहुँच गए थे, लेकिन काफ़ी अंधेरा था और जो गैप्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लगभग 12 ट्रॉलीज जिनमें कि 48 लोगों के फंसे होने की हमको सूचना मिली थी। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो सबसे नीचे वाली ट्रॉली थी, जो लगभग 60 फीट है जिसका ग्राउंड से जिसका लेवल, उसमें से 4 लोगों को सेफली निकाल लिया गया है। और साथ ही जो हमारी सिस्टर एजेंसीज हैं, इंडियन एयरफोर्स है, आर्मी है, एनडीआरएफ है और जो स्टेट पुलिस के भी लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनके माध्यम से भी लोगों को बचाने का काम जारी है। एक और जो ट्रॉली थी उसमें से भी 4 लोगों को थ्रू शॉट ही निकाल लिया गया है, जो होवर करके निकाला जा रहा था। तो अब 8 लोग निकाल लिए गए हैं जैसे मुझे सूचना मिली है और बाकी जो 40 लोग हैं उनको भी निकालने का काम लगातार जारी है। हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम लोगों को सुरक्षित निकालें और स्वस्थ तरीके से उनको नीचे लेके आएँ। खाना भी पहुँचाया जा रहा है जितना भी हम पहुँचा सकते हैं। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 18 घंटे हो चुके हैं इस इंसिडेंट को, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है जो पैरेलल जो रोपवे है उसके माध्यम से भी हम देख पा रहे हैं कि लोग सुरक्षित हैं और हम उनको निकाल पाएंगे। जो भी लोग हैं लगभग 40 लोग, उनको निकालने के पूरे प्रयास ITBP और सिस्टर एजेंसीज के द्वारा किया जा रहा है।
तो आपने सुना इस हादसे के बारे में जानकारी दी गई है और कितना रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ा है इसके बारे में बताया गया है। खुद झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी इस बात की जानकारी दी है और जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनकी ओर से भी ये बताया गया है कि लगातार अभी भी कोशिशें जारी हैं। ये जानकारी एक बार फिर से देना जरूरी है कि 40 से ज़्यादा लोग इस हादसे में फंस चुके थे। 8 के करीब लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया गया है उसके तहत रेस्क्यू किया गया और 2 तस्वीरों के माध्यम से अभी आप देखिए कि अभी एयरफोर्स की मदद ली गई है, NDRF की मदद ली गई है, गरुड़ कमांडो यहाँ पर मौजूद जिनको एक बड़ा अनुभव है इस तरह के हादसों में कैसे लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन अभी भी अधर में जिंदगियां लटकी हुई है। 2500 फीट ऊंचे है ज़मीन से ये जो झूला सा है, ये जो ट्रॉली सी है जो तस्वीर में आप देख पा रहे हैं,